दोस्तों ये थर्ड पार्टी में सबसे पहले आते हैं एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल में सबसे पहले आए थे जॉन थॉमसन मॉडल। ये जे जे थॉमसन ने 1898 में एक अपना मॉडल दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो परमाणु होता है, एटम होता है, उसमें एक सॉलिड स्फीयर होता है जो जिसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं। बस इतना ही इंपॉर्टेंट, बहुत कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है ये। इसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं जिसकी रेडियस 10^-8 सेंटीमीटर तक होती है। इसके बाद आते हैं रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड ने ये बताया था कि इन्होंने अल्फा रेज़ का यूज़ किया और ये पता लगाया कि जो भी एटम का जो पॉजिटिव चार्ज वाला पार्ट होता है, जहाँ पे उसका मैक्सिमम मास सेंट्रलाइज रहता है, मतलब केंद्रित रहता है, तो इसी भाग को इन्होंने न्यूक्लियस कहा। इसके बाद आते हैं नील बोर का परमाणु मॉडल। तो 1913 में रदरफोर्ड ने जो भी परमाणु मॉडल दिया उसको इन्होंने गलत बताया। उसके बाद इन्होंने ही जो इसमें ऑर्बिट्स होते हैं, सेल होते हैं, JKLMN करके इन्होंने नाम दिया, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो अपनी कक्षा में जो ऑर्बिट में घूमा करते हैं, उन इन्होंने ये बताया वो ना तो एनर्जी लेते हैं ना ही एनर्जी देते हैं, वो अपने कक्षकों में घूमते रहते हैं, मतलब वो स्टेशनरी ऑर्बिट होते हैं। अगर उनके पास एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो न्यूक्लियस की तरफ चले जाएंगे, अगर एनर्जी कम होगी तो न्यूक्लियस से दूर चले जाते हैं। तो ये इन्होंने दिया था और कहा था जो ऊर्जा होगा वो केवल क्वांटा के रूप में ही प्रदर्शित करता है। अब आते हैं क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर क्या होता है? किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन होती है, जो उसकी एनर्जी होती है, उसको बताने के लिए क्वांटम नंबर का प्रयोग किया जाता है। ये भी चार प्रकार की होती हैं, तो ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनको हम लोग जो मेन होती है उसको एन से डिनोट करते हैं, जो बाद की होती है वो एल से डिनोट करते हैं। इसके बाद आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, जिसको हिंदी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। किसी भी परमाणु को जो विभिन्न कक्षाएं होती हैं, किसी भी एटम की जो अलग अलग शेल्स होती हैं, उसमें जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं उनकी स्थिति को बताता है, और इसे 2, 8, 18, 32 के रूप में प्रदर्शित करते हैं। इसको हम लोग 2n² के फॉर्मूला भी होता है। हम लोग आते हैं इसके बाद पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। सबसे पहले इसमें आता है पीरियोडिक टेबल। देखिए पीरियोडिक टेबल क्या होता है? अ टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप और एंड पीरियड। ये जितने भी तत्व होंगे उनके गुणों को आधार पर एक सारणिक व्यवस्था है, इसे ही आवर्त सारणी कहते हैं। इसमें कि पीरियड भी होता है, ग्रुप होता है, मतलब कि पीरियड को हिंदी में आवर्त और ग्रुप को हिंदी में वर्ग कहते इसके बाद हैं। आते हैं जो मेंडलीव ने अपने पीरियडिक टेबल दी थी। देखिए मेंडलीव के पीरियडिक टेबल में 7 आवर्त थे, मतलब 7 पीरियड थे और 8 ग्रुप थे, 8 समूह उपस्थित थे। इसमें टोटल 63 एलिमेंट्स थे जो उस समय तक ही पता होंगे, इसलिए इन्होंने इतने ही बताए थे। अब आते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे, जो कि हमें मेंडलीव ने दिया। इन्होंने कहा था द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। अगर इसको हम हिंदी में बताएं तो इसका मतलब होता है तत्व के भौतिक एवं रासायनिक गुण उसके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। इनकी सारणी में, इनके पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 समूह थे, मतलब 18 ग्रुप थे। और इसके बाद आते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल पे, इसको कहते हैं आवर्त सारणी का दीर्घ रूप। ये इसको ये जो है आवर्त सारणी अबाउ के सिद्धांत पर आधारित थी, मतलब आबाऊ प्रिंसिपल को फॉलो करती थी। यहाँ पर जितने भी एलिमेंट थे सब के सब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इसको अरेंज किए गए थे। यहाँ पर टोटल 118 एलिमेंट उपस्थित हैं। देखिए आपकी स्क्रीन में ये पीरियोडिक टेबल आ रही है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एटॉमिक साइज क्या होता है। जब किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे तो एटॉमिक साइज बढ़ता है। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है, लिथियम 3 है, 11 है, इससे क्या है ये बढ़ रहा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं। फिर आती है वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है? किसी ग्रुप में, मतलब समूह में तो समान रहती है, लेकिन जब हम लोग किसी पीरियड में चलते हैं, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, तो ये घटा बढ़ा करती है। फिर आते हैं आयनाइजेशन एनर्जी में, जिसको हिंदी में कहते हैं आयनन ऊर्जा। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ न्यूट्रल आइसोलेटेड गैस एटम एंड कन्वर्ट इट इंटू अ पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयन इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। मतलब हिंदी में देखें तो वह ऊर्जा जो किसी विगलित गैस के परमाणु के बाहरी कक्षा में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक होती है, उसे ही आयनन ऊर्जा कहते हैं। अब आते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? एक एनर्जी रिलीज होती है जब कोई इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं, मतलब या किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर मुक्त होने वाली ऊर्जा को ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। अब आते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में क्या होता है? द टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड इट सेल्फ इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी। मतलब इसको हिंदी में कहते हैं विद्युत ऋणात्मकता। किसी अणु में परमाणु के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की ही क्षमता को विद्युत ऋणात्मकता कहलाता है।